सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल सी ए टी वी। एंड इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे AS25 के। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने AS25 के हमने कंसेप्ट पढ़ लिए थे। अब हम ना क्वेश्चन करेंगे और SMPM के क्वेश्चन करेंगे, जो हमने बात करी थी कि अराउंड 11 क्वेश्चन है। और सी AS25 के नोट्स पढ़ने के बाद भी लग रहा था कि कुछ कॉन्टेंट है, जैसे कि पर्टिकुलर ये गाइडेंस नोट ऑन इनकम टैक्स ऑन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे जो गाइडेंस नोट है, ये गाइडेंस नोट जो है ये ऐसे समझ में नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल हम क्वेश्चन नहीं करें तब तक, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन नंबर 95 है, नवंबर 18 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि जो हमने नोट्स पढ़े हैं वो नोट्स को रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं हमारे स्टडीज से। ठीक है, चलो ओके। ठीक है, तो क्या बोला है कि इन द व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ AS25 ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑन व्हाट बेसिस यू विल कैलकुलेट फॉर एन इंटरिम पीरियड। ये बोल रहे हैं इन द व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ AS25 को देखते हुए ऑन व्हाट बेसिस विल यू कैलकुलेट फॉर एन इंटरिम पीरियड। किस बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे फॉर एन इंटरिम पीरियड, किस बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ DBP, द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। तो डिफाइंड बेनिफिट स्कीम के रिस्पेक्ट में, तो डिफाइंड बेनिफिट स्कीम के रिस्पेक्ट में प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम, तो किस बेसिस पे फॉर एन इंटरिम पीरियड, किस बेसिस पे विल यू कैलकुलेट फॉर एन इंटरिम पीरियड। तो आपको इंटरिम पीरियड पे ना प्रोविजन बनाना है, इंटरिम पीरियड में आपको प्रोविजन बनाना है। किस पे प्रोविजन बनाना है, डिफाइंड बेनिफिट स्कीम पे। तो जब प्रोविजन बनाओगे तो उसका बेसिस क्या रहेगा, डिफाइंड बेनिफिट स्कीम लाइक पेंशन, ग्रेच्युटी एम्प्लॉय या ग्रेच्युटी एक्सेट्रा फॉर द एम्प्लॉयज, ठीक है। अब देखो ये हमने इधर नोट्स में लिखा था, क्या नोट्स में लिखा था कि AS25 हमको सजेस्ट करता है कि डिफाइंड बेनिफिट स्कीम लाइक पेंशन, ग्रेच्युटी फॉर इंटरिम पीरियड शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ईयर टू डेट बेसिस। तो हमने पढ़ा था कि हमें ईयर टू डेट बेसिस पे कैलकुलेट करना है, राइट। हमने यही पढ़ा था, ईयर टू डेट बेसिस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, बाय यूजिंग एक्चुअली डिटरमाइंड रेट्स। तो ईयर टू डेट बेसिस पे कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग, ईयर टू डेट बेसिस पे कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग, क्या यूज़ करके, एक्चुअली डिटरमाइंड रेट्स। तो एक्चुअली ने कोई डिटरमाइंड करे होंगे नेट्स रेट्स एट द एंड ऑफ प्रायर फाइनेंशियल ईयर, प्रायर फाइनेंशियल ईयर में जो है एक्चुअली ने कोई रेट्स डिटरमाइंड किए होंगे, उस रेट्स के बेसिस पे आपको ईयर टू डेट पे, ईयर टू डेट जैसे प्रोविजन बनाना चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन ईयर टू डेट बेसिस। तो बोले ना ऑन व्हाट बेसिस, तो ईयर टू डेट बेसिस, ठीक है, ओके। सो देखते हैं कि AS25 सजेस्टेड वही पर्टिकुलर चीज थी, ठीक है, प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम लाइक पेंशन, ग्रेच्युटी फॉर एन इंटरिम पीरियड शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ईयर टू डेट बेसिस बाय यूजिंग एक्चुअली डिटरमाइंड रेट्स। तो किस तरीके से यूज़ करके, एक्चुअली डिटरमाइंड रेट्स एट द एंड ऑफ प्रायर फाइनेंशियल ईयर एडजस्टेड फॉर, आप प्रोविजन बनाओगे ना, आपने प्रायर फाइनेंशियल ईयर में जो एक्चुअली ने रेट डिटरमाइन किए थे उसके हिसाब से प्रोविजन बनाओगे, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो किस रिस्पेक्ट में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट मार्जिन, क्या क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट मार्केट फ्लक्चुएशन सिंस दैट टाइम, तो सिग्निफिकेंट मार्केट फ्लक्चुएशन, कर्टेलमेंट, सेटलमेंट्स और सिग्निफिकेंट वन टाइम इवेंट। तो मार्केट फ्लक्चुएशन, कर्टेलमेंट, सेटलमेंट एंड वन टाइम इवेंट, ये सब देखते हुए आपको जो है, ये सब देखते हुए आपको पर्टिकुलर जो है बेसिस ये एडजस्ट करके आपको जो है प्रोविजन बनाना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 94, ऑन 30 जून 2016 अस्मिता लिमिटेड ने इंकर करा 2 लाख का नेट लॉस फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ बिजनेस सेगमेंट, ओके, नेट लॉस, ठीक है, ये हमने बात भी करी थी अस्मिता वाला पोर्शन, ओके, वन सेकेंड, ठीक है, ये हमने बात इधर करी थी, देखते हैं, चलो। तो ऑन 30 जून 2016 अस्मिता इनकर 2 लाख नेट लॉस फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ बिजनेस सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट के डिस्पोजल पे जो है 2 लाख का नेट लॉस इनकर करा। ऑल्सो ऑन 30/7 मतलब कि 1 महीने बाद कंपनी ने पे करा 60,000 प्रॉपर्टी टैक्सेस असेस्ड फॉर द कैलेंडर ईयर 2016। तो प्रॉपर्टी टैक्स उसने जो है पे करा, तो 30/6 को 2 लाख का लॉस हुआ, 60,000 को जो है 60,000 अगले महीने प्रॉपर्टी टैक्स असेस्ड फॉर द कैलेंडर ईयर। हाउ द अबाउट ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूड इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम, कैसे अबाउट ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम ऑफ अस्मिता।
तो किस तरीके से अबाउट ट्रांजैक्शन उसको हम इंक्लूड करेंगे इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम ऑफ अस्मिता। ठीक है, तो इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम ऑफ अस्मिता फॉर सिक्स मंथ इंटरिम पीरियड। अब हमको इनकम जो निकालनी है ना, वो इनकम हमको सिक्स मंथ इंटरिम पीरियड की निकालनी है, एंडेड ऑन 30/9, मतलब कि 1 अप्रैल से 30/9। ठीक है, इसकी इनकम में इन दो चीज़ों का क्या फैक्टर है, देखो समझो समझो। अब देखो इसमें जो एक्सपेंडिचर है 60,000 प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंडिचर, क्या उसको हम डेफर कर सकते हैं कि हमको लेना पड़ेगा? ठीक है, या जो 2 लाख का नेट लॉस है फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ बिजनेस सेगमेंट, क्या उसको डेफर कर रहे हैं कि इसको हमको इधर ही लेना पड़ेगा? ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है, समझते हैं। अकॉर्डिंग टू पैरा 10 ऑफ AS 25, इफ़ इंटरप्राइज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर इंटरप्राइज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है इन इट्स इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट ही है पर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में कंप्लीट सेट है, द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ दोज स्टेटमेंट उसको कन्फर्म करना चाहिए टू द रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू कंप्लीट सेट। तो ये तो हमने पढ़ा था कि फॉर्म एंड कंटेंट को कन्फर्म करना चाहिए रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू एनुअल कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये तो हमने ही पढ़ा था। अब 30/9 को अस्मिता वुड रिपोर्ट द इंटायर 2 लाख का लॉस ऑन डिस्पोजल ऑन इट्स बिजनेस सेगमेंट, तो अस्मिता वुड रिपोर्ट जो हमने बात करी थी, तो अस्मिता वुड रिपोर्ट इंटायर अस्मिता वुड रिपोर्ट इंटायर 2 लाख का लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ बिजनेस सेगमेंट सिंस द लॉस वॉज इनकर्ड ड्यूरिंग इंटरिम पीरियड। अब लॉस ड्यूरिंग इंटरिम पीरियड में हुआ है, ठीक है, तो सिंस लॉस ड्यूरिंग इंटरिम पीरियड में हुआ तो करेंगे, द कॉस्ट चार्ज एज एन एक्सपेंस इन एन एनुअल पीरियड शुड बी अलोकेटेड टू द इंटरिम पीरियड ऑन एक्रूअल बेसिस। अब जो है कॉस्ट चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो कॉस्ट चार्ज एज एन एक्सपेंस इन एन एनुअल पीरियड शुड बी अलोकेटेड टू इंटरिम पीरियड ऑन एक्रूअल बेसिस, तो 60,000 की जो प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट है वो इंटायर कैलेंडर ईयर के लिए है ना, तो इंटायर कैलेंडर ईयर के लिए है, तो 30,000 वुड बी रिपोर्टेड एज एक्सपेंसेस फॉर सिक्स मंथ एंडेड ऑन 30 सितंबर 2016, और रिमेनिंग 30,000, ठीक है, 15,000 फॉर January 16 टू March 16। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि यार इवनली अगर एक्रूड हो रहा है तो ऐसे केस में आपको एक्रूड हो रहा है तो आपको पूरे ईयर आपको ऐसे बाइफरकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर देखें तो प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट रिलेट टू इंटायर कैलेंडर ईयर 30,000 वुड बी रिपोर्टेड एज एन एक्सपेंस, तो 30,000 हमारा एक्सपेंस रहेगा। ठीक है, और रिमेनिंग 30,000 में से 15,000 जो जनवरी से मार्च का है, ठीक है, जनवरी से मार्च 2016 का है, वो पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, और रही बात है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो इस तरीके से जो है इवन साल भर के एक्सपेंडिचर को इवनली एक्रू करना पड़ता है, ठीक है, और फिर बुक करना पड़ता है इंटरिम पीरियड में। ओके, तो फिर हमने जो बात करी वो इवन जो एक्सपेंडिचर है फॉर द एनुअल पीरियड, ये उनकी बात है, ठीक है, एक्सपेंसेस फॉर एन एनुअल पीरियड, राइट, तो इसकी हेडिंग दे देते हैं एक्सपेंडिचर फॉर एनुअल पीरियड। सो एंड इन 95 क्वेश्चन 95, एन इंटरप्राइज रिपोर्ट्स क्वार्टरली, तो इंटरप्राइज ने रिपोर्ट करा क्वार्टरली, तो एन इंटरप्राइज रिपोर्ट्स क्वार्टरली एस्टिमेट ऑन एनुअल इनकम 10 लाख, तो इंटरप्राइज ने रिपोर्ट करा क्वार्टरली एस्टिमेट ऑन एनुअल इनकम 10 लाख, एज्यूम टैक्स रेट ऑन फर्स्ट 5 लाख 30% एंड द बैलेंस इनकम 40%। सी टैक्सेशन की बात आ गई है, लेट वी गो टू अवर गाइडेंस नोट, ठीक है, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 95 से इन सब बात हुई थी। सो क्या बोल रहे हैं, एन इंटरप्राइज रिपोर्ट क्वार्टरली, वो क्वार्टरली में रिपोर्ट करता है एस्टिमेट ऑफ एन एनुअल इनकम 10 लाख, एज्यूम टैक्स रेट ऑन फर्स्ट 5 लाख 30% है और बैलेंस इनकम जो है 40% है, तो बैलेंस इनकम अपनी 5 लाख ही तो रहेगी, वो 40% है। एस्टिमेटेड क्वार्टरली इनकम आर 75 लाख, 2.75 हज़ार, 2.5, 3.75 और 3, तो अगर एस्टिमेट क्वार्टरली इनकम आर, ये इसने ऐसा एस्टिमेट क्वार्टरली इनकम बना दिया, ठीक है, इसका टोटल भी 10 लाख ही रहा होगा, 3,25,000 प्लस 3,000 ये 3,75,000, 10 लाख ही हो रहा है, ठीक है। अब कैलकुलेटेड टैक्स एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज इन ईच ईयर, तो हर साल ईच क्वार्टर में जो है टैक्स एक्सपेंस कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो अपनी क्या बात हुई कि इंटरप्राइज रिकॉर्ड कर रहा है क्वार्टरली एनुअल इनकम 10 लाख और उसका टैक्स रेट है, तो पहले 5 लाख पे 30% है, बचे हुए पे हमारा 40% है, और एस्टिमेट क्वार्टरली इनकम है 75 लाख, 2.5 लाख, 3.75 और 3 लाख। तो इधर अब जब बात आती है क्वेश्चन नंबर 95 की, ठीक है, तो अब समझ लिया अपन हर एक क्वार्टर का, हमने समझ लिया। अब एज पर पैरा 29 ऑफ AS 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनकम टैक्स एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज इन ईच इंटरिम पीरियड, तो क्या बात हुई थी कि इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है
वो ईच इंटरिम पीरियड पे रिकॉग्नाइज होता है, इन ईच इंटरिम पीरियड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये इंटरिम इनकम टैक्स एक्सपेंसेस डायरेक्ट एनुअल पे ही होगा, इन ईच इंटरिम पीरियड वो रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। तो कुछ बेस्ड ऑन द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ वेटेड एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट एक्सपेक्टेड फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर, और बेस्ड ऑन द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ वेटेड एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट, तो वेटेड एवरेज टैक्स रेट, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द वेटेड एवरेज टैक्स रेट जो है, वेटेड एवरेज टैक्स रेट, ठीक है, तो वेटेड एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट एक्सपेक्टेड फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर, उस बेसिस पे ईच फाइनेंशियल ईयर में जो है बाकायदा ये जो कैलकुलेशंस हमारे इनकम टैक्स के हो गए, ठीक है। जहाँ पर हमने बात करी थी अगर स्टेप देखे तो कैलकुलेट एक्चुअल इनकम अप टू करंट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एस्टिमेटेड इनकम। अब इधर तो एक्चुअल इनकम की तो कुछ बात ही नहीं है, सब एस्टिमेटेड ही है, तो ठीक है भैया हमने सब एस्टिमेटेड इनकम देखा, ठीक है। तो एस्टिमेटेड हमारा इनकम तो 10 लाख है। अब एस्टिमेटेड इनकम की बात करें तो इसमें रेगुलर इनकम और स्पेशल इनकम जैसे बाइफर्केशन का तो देखे नहीं रखा है, इतना कॉन्टेंट तो नहीं है इसके अंदर। तो ऐसा करते हैं हम जो है टैक्स एक्सपेंस एक बार, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल सी बात है, टैक्स एक्सपेंस में आपको क्या देके रखा है, पहले 5 लाख पे 30% है, बैलेंस इनकम पे 40% है, तो ठीक है। तो हमने क्या किया, तो पहले 5 लाख पे 30% है, बैलेंस इनकम पे 40% है, तो भैया अपना 3 लाख पे 5 लाख पे 30% है तो आया 1.5 लाख, ठीक है, और 1.5 लाख आया, और बचे हुए 5 लाख पे 40% है तो 2 लाख आया, तो 1.5 लाख और 2 लाख, ठीक है, तो 1.5 लाख और 2 लाख, तो ऐसे करते हुए 3.5 लाख आया, ठीक है, तो 3.5 लाख आया, तो 3.5 लाख आया, जो 3.5 लाख आया सबसे पहले तो हमने टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट किया, और टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट किया अब वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकाला। तो वेटेड एवरेज टैक्स रेट कैसे निकालूँ इधर में, ठीक है, वेटेड ऐसे सेपरेट तो देख ही नहीं रखा कुछ भी, ठीक है, तो वेटेड एवरेज एनुअल टैक्स रेट निकाला, फिर वेटेड एवरेज एनुअल टैक्स रेट, तो सिंस वेटेड एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट निकाला, ठीक है, 3.5 लाख का 35% आया, और हर ईयर में 35% बुक करा। सो इधर हमने क्या समझा कि इधर जैसे बोला है कि हमको टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, तो टैक्स एक्सपेंस तो हमने कैलकुलेट करा, स्पेशल डेफर्ड और नॉर्मल टैक्स इसमें ऐसे सेग्रीगेट नहीं करा। अगर आपने सेग्रीगेट नहीं किया है तो वेटेड एवरेज टैक्स रेट में भी सेग्रीगेट नहीं होगा, क्योंकि सेग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा अमेंड कर देते हैं नोट्स को, तो सी तो क्या बोला है, कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंसेस स्पेशल टैक्स डेफर्ड टैक्स नॉर्मल टैक्स ऑन अबव, ठीक है। तो जो टैक्स एक्सपेंसेस है जैसे स्पेशल टैक्स डेफर्ड टैक्स नॉर्मल टैक्स ऑन अबव कैलकुलेट करेंगे, तो एन अबव, ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे टैक्स एक्सपेंस एक्चुअल और एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम फॉर द इंटायर ईयर वाइज, ठीक है। तो ऑन अबव एक्चुअल और एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम हम इंटायर ईयर जो है कैलकुलेट करेंगे, इंटायर ईयर का हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द इंटायर ईयर वाइज। अब जो है वेटेड एवरेज टैक्स रेट भी जो है हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। तो अभी देखो क्या बोला, टैक्स एक्सपेंस जो है, ठीक है, वो एक्चुअल और एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम सबको मिला के पूरे साल भर का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और टैक्स एक्सपेंस में जो बाइफर्केशन है इस पे डिफरेंट वेटेड एवरेज रेट निकालेंगे। पर अगर कभी ऐसा बाइफर्केशन नहीं देकर रखे, ठीक है, तो इफ क्वेश्चन डजंट गिव द सेग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ रेगुलर स्पेशल और सेग्रीगेटेड इनकम, क्योंकि तभी आप अगर आपके पास रेगुलर स्पेशल और सेग्रीगेटेड इनकम नहीं है तो आप ऐसे टैक्स नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आपको ये इस तरीके से आप बाइफर्केट नहीं कर पाओगे, आप टैक्स एक्सपेंस निकाल लोगे, आप इस तरीके से वेटेड एवरेज रेट को सेपरेटली सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे, पर आप वेटेड एवरेज टैक्स रेट कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप ये सब कर लोगे तो फिर बेटर है कि कैलकुलेटेड जस्ट वेटेड एवरेज, क्योंकि क्वेश्चन डजंट गिव सेग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जब हमने कैलकुलेट कर लिया। चलो आते हैं क्वेश्चन में, तो अंतरवाटी लिमिटेड क्या बोला है इन्होंने कि अंतरवर्ती लिमिटेड प्रपोज्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अंतरवर्ती लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अंतरवर्ती लिमिटेड ने क्या किया, रिपोर्ट करा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑन 4 लाख फॉर द थर्ड क्वार्टर। तो रिपोर्ट करा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख का फॉर थर्ड क्वार्टर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में क्या रिपोर्ट करा इन्होंने, 4 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। एंड हो रहा था 31/3/2016, तो 30/9/2016 मतलब तीसरा क्वार्टर है ना, मतलब 2016 का ईयर चल रहा है इनका, ठीक है। ऑन इंक्वायरी यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग गिव ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड अंडर AS 25, डिविडेंड इनकम 4 लाख रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन रिकॉग्नाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख ओनली। वन सेकेंड, ओके, अब समझते हैं।
अंतर्वर्ती लिमिटेड ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स था थर्ड क्वार्टर का, ठीक है। ऑन इंक्वायरी यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग, गिव द ट्रीटमेंट एस 25 के अंडर में, डिविडेंड इनकम 4 लाख रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर, ड्यूरिंग द क्वार्टर आपको 4 लाख का डिविडेंड हुआ। देखो 4 लाख का प्रॉफिट तो उसने कमाया कमाया, 4 लाख का उसको डिविडेंड रिसीव हुआ ड्यूरिंग द क्वार्टर, हैज़ बीन रिकॉग्नाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख, उसको ड्यूरिंग द क्वार्टर रिसीव हुआ तो उसने 1 लाख ही इनकम को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। अब डिविडेंड इनकम उसको ड्यूरिंग द क्वार्टर, ठीक है, रिसीव हुआ और उसने 1 लाख रिकॉग्नाइज करा, ठीक है। तो ये हमको जो है डिविडेंड इनकम 4 लाख की रिसीव हुई ड्यूरिंग द क्वार्टर, अब ये 1 लाख रिकॉग्नाइज करा। अभी जो हमने बात करी थी सीजनल इनकम की, सीजनल इनकम है ये भी, ठीक है। सीजनल इनकम की के हमने क्या बात करी थी, सीजनल इनकम में हमने ये बात करी थी कि द सीजनल और ओकेजनल इनकम, सीजनल इनकम बोलो या ओकेजनल इनकम बोलो, क्या बोला है सीजनल इनकम ओकेजनल इनकम के रिस्पेक्ट में कि सीजनल और ओकेजनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन दे अर्नड। तो जैसे ही अर्न करा उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो ठीक है, तो सीजनल इनकम एक्सपेंडिचर शुड बी एंटिसिपेटेड डेफर्ड ऑन डी, जब उसको तभी डेफर कर सकते हैं जब ये लग रहा है अप्रोप्रिएट कि डेट टाइप ऑफ कॉस्ट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मैं अप्रोप्रिएट कर सकता हूँ, इट इज़ अप्रोप्रिएट टू एंटिसिपेट, मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि ये वाली कॉस्ट जो है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर भी रहेगी और कॉस्ट इनकर्ड अनइवनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये बात है। तो सिंस हमने अगर अब हमारे नोट्स की बात करें तो हमने भी यही पढ़ा था कि जो सीजनल और ओकेजनल इनकम और एक्सपेंडिचर होता है तो जब उसको अर्न होता है उसको तभी बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप हमको अप्रोप्रिएट लग रहा है कि वो जो रिवेन्यू या कॉस्ट है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो रिवेन्यू कॉस्ट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इस टाइप की रिवेन्यू का एंटिसिपेट कर सकता हूँ, तो आप जो है ठीक है उसको फिर आप डेफर कर दो। या आप एंटिसिपेट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, डिविडेंड इनकम ये सीजनल ओकेजनल इनकम है तो ये डेफर नहीं होगा। अब सिंस ये डेफर नहीं होगा तो भैया आप बुक करो, ठीक है, तो ये बुक करो फिर 3 लाख की इनकम, और आपने तो 1 ही लाख बुक करा था तो ठीक है भैया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख था, 4 लाख में आपने 3 लाख और ऐड कर दिया, 7 लाख हो गया। 80% ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर 15 लाख इनकर्ड इन थर्ड क्वार्टर हैव बीन डेफर्ड टू फोर्थ क्वार्टर एज द सेल इन द लास्ट क्वार्टर इज हाई। ये बोल रहे हैं कि सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर जो है इनकर्ड करा है थर्ड क्वार्टर में, ठीक है, तो 80% इनकर करा है थर्ड क्वार्टर में तो उसको फोर्थ क्वार्टर में डेफर करो क्योंकि सेल वहाँ की जाता है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, अब इसके डेफरमेंट की बात करें तो हम समझते हैं। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रमोशनल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये प्रमोशनल एक्सपेंडिचर है। प्रमोशनल एक्सपेंडिचर क्या साल भर होते हैं क्या, ये साल भर प्रमोशनल एक्सपेंडिचर नहीं होते। अगर ये साल भर होते हैं मैं एंटिसिपेट करता हूँ इस टाइप की कॉस्ट को एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो ठीक है मैं इसको सेग्रीगेट डेफर कर देता। अब देखो सेल्स 80% ऑफ सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंडिचर 15 लाख इनकर्ड इन द थर्ड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर में इनकर हुए हैं तो उसको डेफर कर दिया फोर्थ क्वार्टर में क्योंकि लास्ट क्वार्टर की सेल हाई थी। तो ऐसा नहीं होता है, लास्ट क्वार्टर की सेल हाई है इस बेसिस पे आप डेफर नहीं कर सकते, ठीक है ना, समझो कि डेफर करा है, ठीक है, तो द फोर्थ क्वार्टर क्योंकि लास्ट क्वार्टर की सेल्स हाई थी, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने क्या किया है कि 15 लाख का 80% जो है उसने डेफर करा है क्योंकि क्या बोला है डेफर्ड ना, हैव बीन डेफर्ड टू फोर्थ क्वार्टर, तो इनकर करा है थर्ड क्वार्टर में डेफर करा है फोर्थ क्वार्टर में। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि हर बार होंगे, प्रमोशन एक्सपेंडिचर हर बार नहीं होते, इसलिए हम उसको डेफर नहीं करेंगे, 50 का 18% ये हम रिड्यूस कर देंगे और यही इन्होंने रिड्यूस करा है। फिर आती बात इन द थर्ड क्वार्टर कंपनी ने चेंज करा डेप्रिसिएशन मेथड, ये डेप्रिसिएशन मेथड अब अकाउंटिंग एस्टिमेटेड स्टडी मटेरियल अपनी पुरानी थी 9/17 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इन द थर्ड क्वार्टर कंपनी ने चेंज करा अकाउंट डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम WDV टू SLM विच रिजल्ट इन एक्सेस डेप्रिसिएशन 12 लाख, इंटायर अमाउंट हैज़ बीन डेबिटेड इन द थर्ड क्वार्टर, इंटायर अमाउंट को थर्ड क्वार्टर में ही डेबिट कर दिया, दो शेयर इन थर्ड क्वार्टर इज ऑनली 3 लाख, समझो। अब हम थर्ड क्वार्टर में हैं, थर्ड क्वार्टर में चेंज इन डेप्रिसिएशन हुआ है, एक्सेस डेप्रिसिएशन 12 लाख लगा है, इंटायर, ठीक है, इंटायर अमाउंट डेबिटेड टू थर्ड क्वार्टर, हमको 12 लाख थोड़ी ना डेबिट करना है, हमको सिर्फ 6 लाख डेबिट करना है, ठीक है। तो आपने 12 लाख डेबिट करके 12 लाख से आपने जो है अपनी इनकम को कम कर दिया और थर्ड क्वार्टर की सिर्फ 3 लाख है, सी थर्ड क्वार्टर की सिर्फ 3 लाख है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना रहेगा, थर्ड क्वार्टर के 3 लाख है आपने 12 लाख डेबिट करके बैठे हुए हो और आप प्रॉफिट कम करके बैठे हुए हो, 9 लाख से प्रॉफिट बढ़ाओ, ठीक है, आपको 9 लाख से प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो समझना पड़ेगा कि जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तो ये तो जो है रेट्रोस्पेक्टिवली, ओके, सबसे पहले तो अगर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता तो हम इसका जो है क्या इफेक्ट देते हैं कि देखो 12 लाख है और रेट्रोस्पेक्टिवली इसका इफेक्ट देना देता है, तो 12 लाख है, 12 लाख को डिवाइड बाय, ठीक है, एक साल से हम पूरा डिवाइड करते हैं, मतलब 4 क्वार्टर से डिवाइड करते हैं, 12 लाख डिवाइड बाय 4 क्वार्टर तो हो जाता है अपना 3 लाख, ठीक है। अब हमने जो है हमारे क्वार्टर का तो 3 लाख है,
हमने 12 लाख डेबिट करके रखा है, तो हमारा प्रॉफिट कम दिखा रहा है, तो हमने 9 लाख से प्रॉफिट को बढ़ा दिया। ठीक है, तो 3 लाख करना था, हमने 12 लाख कराए, तो हमने 9 लाख से प्रॉफिट को बढ़ा दिया। ठीक है, बट ये तब होता जब हमारा जो है डेप्रिसिएशन मेथड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता। अब डेप्रिसिएशन जो है चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड एक चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो अब इसमें चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो अब क्या होगा, जो हमारे रिमेनिंग पीरियड्स है जैसे कि थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, ये 12 लाख उससे सेग्रीगेट होगा, एनसीम से ये 12 लाख उससे सेग्रीगेट होगा। तब ये जो 12 लाख है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये 12 लाख का ट्रीटमेंट ऐसा होगा कि 12 लाख डिवाइड बाई 2 करेंगे, 6 लाख और 6 लाख, करंट ईयर में 6 लाख और प्रीसीडिंग ईयर में 6 लाख। तो इस तरीके से आपको अब लेस करना पड़ेगा सिर्फ 6 लाख, और करंट क्वार्टर में 6 लाख और नेक्स्ट क्वार्टर में 6 लाख, तो जो है अब हमको सिर्फ 6 लाख रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने कर लिया, नाउ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो ये हमारा अब नहीं चलेगा, अब ये रिड्यूस बाय 6 लाख होगा। ठीक है, चलो तो हमने कैलकुलेशन हमारा भी प्रॉपर चल रही है। 2 लाख की एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन है जो हमको थर्ड क्वार्टर में रिसीव करी, अलॉकेट इक्वली, तो इक्वली अलॉकेट कराए तो अन इवनली का तो चांसेस ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तब हम तभी बात करते थे जब अन इवनली रहती चीज़ें। ठीक है, ये हमने तभी बात करी थी ना कि हम डेफर तभी करेंगे जब अन इवन होता है। तो मैं आपको वापस पढ़ के बताता हूँ कि क्या किस तरीके से उसको बोला गया था, क्या बोला गया था कि रिवेन्यू कॉस्ट इंकर्ड अन इवनली, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो अन इवनली इंकर हो रही है, तो ऐसे केस में जो है आप जो है उसको डेफर कर सकते हो। ये तो इवनली हो गया, तो इवनली हो गया तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको, ठीक है, इसमें तो इवनली जो है अलॉकेट कर दिया थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में, तो नहीं, आपको 1 लाख से और अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। चेक करो तो 1 लाख से इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। राइट, 1 लाख से आपको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने भी यही करा है। अब क्या बोला है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्टेड इन गेन 20 लाख, कंपनी हैड अपोर्शन दिस इक्वली फॉर द फोर क्वार्टर। क्यों भैया, चारों क्वार्टर में इक्वली इसने अपोर्शन कर दिया, मतलब कि 20 लाख डिवाइड बाय 4, इन्होंने 5-5 लाख हर जगह दे दिया। तो नहीं, वो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कैजुअल इनकम जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम जो थी, कैजुअल इनकम क्या, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और ओकेजनल इनकम जो थी, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और ओकेजनल इनकम जो हमारी जो थी, अगर देखा जाए तो ये देखा जाए तो एक तरीके से ये तो इनकम उसी क्वार्टर में बुक हो जानी थी, और अगर ये इवनली एक्रू होता तो बात ही ख़त्म थी। अरे इवनली एक्रू, हम इस टाइप की कॉस्ट या रिवेन्यू को एंटिसिपेट थोड़ी ना कर सकते एट दी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हम हर साल थोड़ी ना बेचते, या हर पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड हम थोड़ी ना बेचते रहते कि हम एंटिसिपेट कर देंगे कि हम इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। तो अगर आप इस टाइप की रिवेन्यू और कॉस्ट को एंटिसिपेट कर सकते थे, ठीक है, और अगर ये अन इवनली इंकर होता जो भी है, ठीक है, पर इधर इसमें तो ये अप्लाई होगा कि आप एंटिसिपेट ही नहीं कर सकते, सिंस आप एंटिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं, और एंटिसिपेट करने के साथ साथ दो कंडीशन थी। देखो एंड में है दो कंडीशन, अगर आप देखो तो ये हमारा जो है एंड ही था। तो सबसे पहले तो आप इस टाइप की कॉस्ट रिवेन्यू का एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते हैं, ये तो वैसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, तो इस तरीके से जो है उसी टाइम पर बुक करना था। थर्ड क्वार्टर में इसका हिस्सा जो 5 लाख इन्होंने इनकम में बुक करा उसको माइनस करो, ये हमारा नहीं है, तो 5 लाख माइनस करा, और इस तरीके से जो है हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट भी हुआ, और हमने हर एक चीज़ों का सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, हमने जो है करेक्ट तरीके से हमने इसका एडजस्टमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने कैलकुलेट किया थर्ड क्वार्टर का। राइट, सो अब ये हमारा हुआ था है, ये पीएम हमारी ओवर होती है, क्योंकि अब हमारा जो स्टार्ट होता है पीएम हमारी ओवर होने के बाद, अब हमारा क्या स्टार्ट, एज 26 स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करते हैं। 1 सेकेंड। ओके, तो स्टडी मटेरियल में हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोलता है, सिंसियर कॉर्पोरेशन इज डीलिंग इन अ सीजनल प्रोडक्ट सेल्स पैटर्न। ठीक है, सेल्स पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वार्टर वाइज एज फॉलोज। ठीक है, सेल्स पैटर्न इसने बता के रखा है, सीजनल प्रोडक्ट है, सीजनल इनकम ऑकेजनल इनकम आ सकती है। अब इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 30 जून आर एज फॉलोज। सेल देके रखा है बाकायदा। ठीक है, अब ये सेल जो है वो 10% है, तो ये सेल देख रखी 80 करोड़, सैलरी देख रखा 60 करोड़, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, रूटीन के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर। व्हाइल प्रिपेयरिंग द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, सिंसियर कॉर्पोरेशन वांट्स टू डेफर 10 करोड़ एक्सपेंडिचर टू द थर्ड क्वार्टर ऑन एन आर्ग्यूमेंट दैट द थर्ड क्वार्टर इज हैविंग मोर सेल्स। तो इस आर्ग्यूमेंट में उसको करना है कि थर्ड क्वार्टर के अंदर ज़्यादा सेल्स है, देयरफॉर थर्ड क्वार्टर में तो ज़्यादा सेल्स एक्सपेंडिचर डेबिट होना चाहिए। ठीक है, कंसीडरिंग द सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस एंड एक्सपेंडिचर आर यूनिफॉर्म। अब देखो, कंसीडरिंग द सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस एंड एक्सपेंडिचर आर यूनिफॉर्म। अब जब एक्सपेंडिचर ही यूनिफॉर्म हो गए, हम कैसे डेफर कर सकते हैं? ठीक है, तो कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, हम डेफर नहीं कर पाएंगे एक्सपेंडिचर, सिंपल सी बात, हम डेफर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस अब हम क्या रहे, क्या अगर हम डेफर नहीं कर पाएंगे तो? ठीक है, तो अब हमको फर्स्ट क्वार्टर का कैलकुलेशन करना है। ठीक है,
अब सबसे पहले जब हमको फर्स्ट क्वार्टर का जब हमको कैलकुलेट करना है, रिजल्ट कैलकुलेट करना है फर्स्ट क्वार्टर का, तो सिंपल सी बात है, कोई भी ये बोल देगा ठीक है कि आपने 80 करोड़ लिए हैं, 80 करोड़ में से आपने जो है सैलरी एंड अदर एक्सपेंडिचर 60 करोड़ आपने माइनस करे हैं, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर और सेलिंग एक्सपेंडिचर आपने सब माइनस कर दिया है, तो इस तरीके से आ गया आपका प्रॉफिट। तो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, फंडामेंटल क्वेश्चन में ये बोले है कि एक्सपेंडिचर को डेफर करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सेल है, तो ऐसा नहीं। क्योंकि क्या लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू एज 25 इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन देयर आर अर्न एंड इनकर्ड रिस्पेक्टिवली। तो जो अर्न और इनकर्ड करा है तब आप बुक करेंगे, जेफो सीजनल नेचर, ठीक है, सीजनल इनकम विल बी रिकॉग्नाइज व्हेन दे ऑकर। सीजनल इनकम तो तभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए व्हेन दे ऑकर, ठीक है, ठीक है। तो हमको इनकम एक्सपेंडिचर तभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब वो इनकर हुई है, ठीक है। और डेफरमेंट करने का एक रीज़न होता है, एक रीज़न क्या होता है कि भैया हमने जो पढ़ा है कि वो अनइवनली इनकर हो रहे हैं और मैं इस टाइप की जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट को मैं एंटिसिपेट भी कर सकता हूँ ईयर एंड में, तो जाके वो डेफर हो जाएगा, ठीक है। अब बात होती है इलस्ट्रेशन नंबर टू की। इलस्ट्रेशन नंबर टू क्या है हमारा, इलस्ट्रेशन नंबर टू ईजी था हमारा, इलस्ट्रेशन कुछ खास नहीं इसमें भी, कि अकाउंटिंग ईयर जो एंड हो रहा है 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर का जो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है इट मेक्स रिपोर्ट क्वार्टरली फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स। इसका ये पूरे साल भर का है, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर बिगनिंग हो रहा था 1/10 से और एंड हो रहा है 30/9 को, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वार्टर दे के रखा है। अब एवरेज एक्चुअल टैक्स रेट 20% है। अभी अपन ने क्या बात करी थी, इधर तो उन्होंने इनकम तो हमको कैलकुलेट करके दे के रखी है, ठीक है, टैक्स रेट दे के रखा है उन्होंने, ठीक है, 20% एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31/3/18 जो है पूरे एक साल बाद जो है 31/3/18 का 30% है, ठीक है। तो 31/3/18 का ये है जो 31/3/17 और 31/3/18 की ऐसी डिटेल देख रखी, ठीक है। अब अपन क्या करें, ठीक है, तो हमारा जो क्वार्टर है, हमारा जो क्वार्टर है वो तो ओके 20% और 30% ना, तो 31/3/18 का फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31/3/18 मतलब 17/18 का 30% आ गया और 16/17 का 20% है, तो दो क्वार्टर 20% के चलेंगे, दो क्वार्टर 30% के चलेंगे। सबसे पहले हमने जो हमारा कंसेप्ट समझा था वो ऐसा था कि आप जो है एक्चुअल इनकम आप कैलकुलेट करो और एस्टिमेटेड इनकम आप जो है कैलकुलेट करो। तो एक्चुअल इनकम हमने कैलकुलेट करी और एंटिसिपेटेड इनकम एस्टिमेटेड इनकम हमने कैलकुलेट करी, ठीक है। पर इधर तो दे के रखा है, ठीक है, पूरी इनकम दे के रखी है, टैक्स एक्सपेंस निकालना है, तो टैक्स एक्सपेंस क्या है, टैक्स एक्सपेंस तो कुछ भी नहीं, हम तो नॉर्मल निकाल लेंगे टैक्स एक्सपेंस, तो ठीक है। अब टैक्स एक्सपेंस निकालना है तो हम निकाल देंगे। अब पॉइंट ये आता है कि कैलकुलेट वेटेड एवरेज टैक्स रेट, फिर हमने ये टैक्स एक्सपेंस और फिर कैलकुलेट करेंगे हम वेटेड एवरेज टैक्स रेट में, जिसमें हम रेगुलर स्पेशल इनकम और डेफर टैक्स इनकम इनकम से ऐसे बाइफरकेट करेंगे। सी हमको समझना पड़ेगा, ये गाइडेंस नोट जो है, ये गाइडेंस नोट उस बेसिस पे है कि जब तीन तीन तरीके की इनकम हो तब आपको टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, हर स्पेशल टैक्स एक्सपेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ता है इंटायर ईयर वाइज, ठीक है। क्योंकि आपको जो टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करना पड़ रहा है ऑन अबव एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम इंटायर ईयर वाइज आप कैलकुलेट करते हो, और आप ऐसे बाइफरकेट करते हो स्पेशल टैक्स, डेफर टैक्स, नॉर्मल टैक्स, ठीक है, फिर आप वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालते हो। बट अगर टैक्स एक्सपेंस का रेट, जो टैक्स एक्सपेंस का रेट है जो हर क्वार्टर, ये क्वार्टर टू क्वार्टर चेंज हो रहा है, तो हमको उस क्वार्टर का टैक्स एक्सपेंस सेपरेटली निकालना पड़ेगा, फिर ऐसे में केस में वेटेड एवरेज नहीं हो सकता। तो यही बात है कि डिफरेंट क्वार्टर के अगर डिफरेंट रेट है तो वेटेड एवरेज पॉसिबल नहीं है, टैक्स एक्सपेंस आपको रिस्पेक्टिव क्वार्टर का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इन्होंने भी रिस्पेक्टिव क्वार्टर का अपने हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट किया, तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशन करा इन्होंने टैक्स एक्सपेंस। अब आती है बात हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज की, ठीक है, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, हमने ये पढ़ लिया था, और सीजनली ओकेजनली भी हो गया, कुछ मिसलेनियस इलस्ट्रेशन, ओके मिसलेनियस इलस्ट्रेशन में इलस्ट्रेशन नंबर 3, कितने इलस्ट्रेशन है, अराउंड 4-5 इलस्ट्रेशन है कि 4 इलस्ट्रेशन है, ठीक है, करते हैं इसको डील करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अब पूर्णिमा लिमिटेड के अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट ऑफ पूर्णिमा लिमिटेड, इन्होंने शो करा नेट प्रॉफिट 7,20,000 का थर्ड क्वार्टर का। तो शो करा नेट प्रॉफिट 7,20,000 फॉर द थर्ड क्वार्टर 2016 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग। क्या क्या इनकॉर्पोरेट किया, बैड डेब्ट इंकर ड्यूरिंग द क्वार्टर, ड्यूरिंग द क्वार्टर कुछ बैड डेब्ट इंकर हुए, ठीक है, और 50% ऑफ बैड डेब्ट हैड बीन डेफर टू द नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है। तो ड्यूरिंग क्वार्टर इंकर हुए और नेक्स्ट क्वार्टर को डेफर कर दिया, ठीक है। अब ठीक है नेक्स्ट क्वार्टर को, ठीक है, तो 40,000 जो है बैड डेब्ट क्वार्टर इंकर हुए है, बैड डेब्ट इंकर हुआ है ड्यूरिंग द क्वार्टर, वो 50% हमने डेफर कर दिया। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस की बात आती है,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस 35,000 को ड्यूरिंग द क्वार्टर फुल्ली रिकॉग्नाइज किया इन दिस क्वार्टर। ठीक है, अब एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करें तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 45,000 है रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द मेथड ऑफ चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। एज्यूमिंग 45,000 इज द चार्ज फॉर द थर्ड क्वार्टर ओनली, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 45,000 ठीक है रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द मेथड ऑफ चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के मेथड के चेंज होने से हुआ है। ठीक है, और एज्यूम करो कि 45,000 इज द चेंज ठीक है फॉर द थर्ड क्वार्टर ओनली। सी अब अगर थर्ड क्वार्टर ओनली, थर्ड क्वार्टर का ही चेंज है ठीक है, तो अब समझो कि एडिशनल डेप्रिसिएशन 45,000 रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एज्यूमिंग दैट 45,000 इज द चार्ज ऑफ थर्ड क्वार्टर ओनली। अब सबसे पहले बैड डेप की अगर हम बात करें तो बैड डेप तो 40,000 इंकर हुआ था ड्यूरिंग द क्वार्टर, 50% ऑफ बैड डेप। अभी 50% ऑफ बैड डेप डेफर किया तो भैया डेफर करने की जरूरत थोड़ी ना थी, जो इनकम एक्सपेंडिचर हो रहा है आपको तभी बुक करना चाहिए। तो ये जो आपने 20,000 माइनस किया, 20,000 आपने डेफर किया ठीक है, तो डेफर होने का एक बेसिस होना चाहिए। ठीक है, तो सिंस ये इंकर तभी हुआ है करंट क्वार्टर में, उसको उसी क्वार्टर में बुक करो। ठीक है, क्योंकि वो डेफर तभी होगा जब वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या आप एंटिसिपेट कर सकते हो, और जब तक क्वेश्चन में देख के नहीं रखे मतलब एंटिसिपेट की बात मत करो कि आप एंटिसिपेट कर सकते हो दैट टाइप ऑफ कॉस्ट इन दी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो उसे जैसे आप डेफर मत ही करो। ठीक है, और आपको इस टाइप की चीज़ें क्वेश्चन में देख के रखेंगे, बट इसमें जो है अगर इनकर करा है, जनरली प्रिजम्पशन ये है कि जिस क्वार्टर में इनकम बुक करिए उसी क्वार्टर में एक्सपेंडिचर बुक करो, या जिस क्वार्टर में अराइज हुआ है उसी क्वार्टर में बुक करो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस की अगर हम बात करें तो फुल्ली रिकॉग्नाइज इन दिस क्वार्टर, तो ठीक है वो तो पूरा रिकॉग्नाइज किया तो अच्छी बात है, पूरा रिकॉग्नाइज किया तो सही करा इन्होंने। एडिशनल डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, अब रिकॉग्नाइज एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 45,000 इन द सेम क्वार्टर। सी अगर हम बात करें तो एडिशनल डेप्रिसिएशन से हमको 45,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा। अब इधर जो है ऐसा हो रहा है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन इधर अकाउंटिंग पॉलिसी वो मान रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी मान रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर का ये इफेक्ट दे रहे हैं कि वो जो एडिशनल जो डेप्रिसिएशन है वो पूरे साल में जो है पूरे साल में वो एडजस्ट होगा। जैसे पूरे साल में चार क्वार्टर है तो जैसा भी एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो चारों क्वार्टर में एडजस्ट होगा, और चारों क्वार्टर में एडजस्ट होकर थर्ड क्वार्टर का शेयर निकलता है 45,000। ठीक है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 45,000 रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द डेप्रिसिएशन एज्यूमिंग डेट 45,000 इज अ चार्ज फॉर द थर्ड क्वार्टर। जैसे कि इसमें अगर 45,000 थर्ड क्वार्टर का चार्ज है तो इस अगर हम देखा जाए तो साल भर में जो है उन्होंने 180,000 का है बुक करा डेप्रिसिएशन। अब 180,000 का डेप्रिसिएशन है और हम कौन से क्वार्टर में खड़े हैं, थर्ड क्वार्टर में खड़े हैं, तो जैसे कि इसमें हमको थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर ठीक है डिवाइड बाई टू करते हुए 90,000 और 90,000 हमको बुक करना चाहिए, तो हमको 45,000 और माइनस करना चाहिए। पर सिंस इधर जो है सेडिमेंट पुरानी है तो हमको फिर हम इसमें ये सब चीज़ें नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 45,000 इन द सेम क्वार्टर टू द ट्यून ऑफ 25,000, हैंस नो एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड इन दिस टू आइटम, तो इधर एडजस्टमेंट लगेगा 45,000 और माइनस होगा। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 4, इंटेलिजेंट कॉपरेशन आई कॉप इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट, द क्वार्टरली सेल्स पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट ये देख रखा है, सेल्स पैटर्न देख रख दिया। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर जो है ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वाई प्रिपेयरिंग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, 21 करोड़ रेफर करना था थर्ड क्वार्टर में क्योंकि वहाँ पे सेल ज़्यादा है, तो सेल ज़्यादा है देयरफॉर थर्ड क्वार्टर शुड बी डेबिटेड बाय हायर एक्सपेंडिचर कंसीडरिंग द सीजनल नेचर। तो देखो सेल ज़्यादा है इसलिए डेफर नहीं कर सकते, इस तरीके से डेफर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो डेफर कब किया जाता है, डेफर इन दो सिचुएशन में किया जाता है और इन दो सिचुएशन में एंड है। ठीक है, तो डेफर कब किया जाता है, एज़ पर AS 25 और इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इनकम एक्सपेंसेस जो रिकॉग्नाइज करें हैं, तो इनकम एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन दे आर अर्नड एंड इनकर्ड, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब वो अर्न और इनकर्ड हुए हैं। ठीक है, एज पर पैरा 20-30A द कॉस्ट शुड बी एंटिसिपेटेड एंड डेफर्ड ओनली, द कॉस्ट शुड बी एंटिसिपेटेड और डेफर्ड ओनली व्हेन इट इज़ अप्रोप्रिएट टू एंटिसिपेट दैट टाइप ऑफ कॉस्ट एट द एंड। अगर मैं अप्रोप्रिएट है मेरे लिए कि तुम्हें एंटिसिपेट कर सकता हूँ दैट टाइप ऑफ कॉस्ट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, में फाइनेंशियल ईयर में भी ये कॉस्ट को डेफर कर सकता हूँ, या कॉस्ट एंड साथ ही साथ में फाइनेंशियल ईयर के एंड में इस टाइप की कॉस्ट को डेफर कर सकता हूँ, मैं फाइनेंशियल ईयर की एंड में भी इस टाइप की कॉस्ट को मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ और कॉस्ट इंकर्ड हो रहे हैं अनइवनली। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है इधर वो बोल रहे हैं कि 21 करोड़ जो है डेफर करना, द आर्गुमेंट गिवन बाय आई कॉर्प टू डेफर 21 करोड़ इज़ नॉट टेनेबल।
क्योंकि एक्सपेंडिचर यूनिफॉर्म है। किस कैसे समझना है एक्सपेंडिचर यूनिफॉर्म है, बोल के रखा है ठीक है, एक्सपेंडिचर यूनिफॉर्म है ऑल क्वार्टर। तो भले ही जो है अगर इस टाइप के कॉस्ट को आप जो एंटिसिपेट कर सकते हो एट दी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, पर सिंस एक्सपेंडिचर जो है वो इवनली ही ऑकर हो रहा है, अनइवनली नहीं है तो आप डेफर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में आपको जो है, तो इस तरीके से जो है आर्ग्यूमेंट गिवन बाय डेफरमेंट ऑफ 21 करोड़ कोई टेनेबल नहीं है ठीक है। तो टर्नओवर है 50 करोड़, टोटल 50 करोड़ है, चेंज ऑफ इन्वेंट्री 30 और सैलरी 30 और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को 10 लेते हुए जो भी है नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट उन्होंने कर लिया ठीक है। सो ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है AS 25 के क्वेश्चन ओवर होते हैं और हमको समझ में आ गया है कि डेफरमेंट पे ऊपर अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये 3 पॉइंट समझना हमको बहुत ज़रूरी है जो हमने इधर भी नोट डाउन कर लिया है। सबसे पहले तो इनकम और एक्सपेंडिचर की जो हमने बात करी, क्या बात करी हमने कि अकॉर्डिंग AS 25 इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन दे अर्न एंड इनकर्ड रेस्पेक्टिवली, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब वो अर्न और इनकर्ड हुए हैं ठीक है। देयरफॉर सीजनल इनकम भी तभी जब ऑकर हुआ तब उसको बुक कर लिया जाएगा, और बाकी जो है कि जो जब इनकर्ड हुआ तभी बुक करना, और डेफरमेंट की बात तभी आएगी ठीक है। कॉस्ट शुड बी डेफर्ड ओनली, कॉस्ट शुड बी एंटिसिपेटेड और डेफर्ड ओनली जब वो अप्रोप्रिएट है कि दैट टाइप ऑफ कॉस्ट जो है एट दी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और कॉस्ट आर इनकर्ड अनइवनली। सो ये हमारा ओवर होता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बचा हुआ सेक्शन। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।